अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज हमारे पास एक कस्टमर का लैपटॉप आया है। ये मॉडल है डेल का लैटिट्यूड। तो जो इसमें इशू आ रहा है, कस्टमर बता रहा है कि इसकी मैंने 2-3 बार विंडो भी की है, लेकिन विंडो करने के बाद ये फिर भी विंडो ऑपरेट नहीं कर रहा। तो देखते हैं इसको आज क्या इशू आ रहा है। तो इसको ऑन करके मैं आपको दिखा देता हूँ क्या एरर आ रहा है इसमें। इस तरह का कुछ एरर आ रहा है इसमें। कस्टमर बहुत परेशान था इसकी वजह से। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा मसला आ रहा है तो आज आप इस वीडियो में सीख जाएंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये नो बूट डिवाइस फाउंड प्रेस एनी की टू रिबूट, इस तरह का एरर दे रहा है, जबकि इसमें RDSP लगी हुई है और विंडो भी 2-3 बार की है कस्टमर ने, लेकिन फिर भी ये ऑपरेट नहीं कर रहा। तो चले इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो है हमने लैपटॉप को ऑफ़ कर देना है। ऑफ़ करने के बाद इसको दोबारा ऑन करते हैं और F2 का बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे आ जाएंगे बायोस सेटिंग में। तो ये सेटिंग आपने अच्छे से देखनी है, सिस्टम इंफॉर्मेशन। यहाँ पे देखें 250 GB HDD जो है ना इसमें इंस्टॉल है। तो यहाँ पे आ जाएं, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, और अब आ जाएं इसमें नीचे। ये जो SATA ऑपरेशन का ऑप्शन है ना, अब इस पे आपने गौर से देखना है कि यहाँ पे क्या करना है। SATA मतलब कि जो इसमें डिवाइस लगी हुई है, हार्ड डिस्क वगैरह, उसकी ऑपरेटिंग का सिस्टम है। तो यहाँ पे हमें 3-4 ऑप्शन मिल रहे हैं, यहाँ पे डिसेबल का, ATI का, AICI का और रीड ऑन का। तो यहाँ पे जो हमारी हार्ड डिस्क है, यहाँ पे रीड ऑन है, यहाँ हमने करनी है AHCI। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, यस कर देना है और यहाँ पे कर देना है अप्लाई। ये अप्लाई हो गया। बस इसकी यही सेटिंग थी। अब इसको स्केप के बटन से आपने रिस्टार्ट कर लेना है और कुछ भी नहीं करना, आपका लैपटॉप जो है वो ऑन हो जाएगा। तो देखते हैं ये होता है कि नहीं होता। तो विंडो हमारी ऑन हो रही है, मतलब जो हमारी हार्ड डिस्क थी वो सिर्फ रीड हो रही थी, ऑपरेट नहीं कर रही थी। तो यहाँ पे लैपटॉप की विंडो ऑन हो चुकी है और 2 मिनट का ये काम था। आप भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा ट्रिक लेके। तब तक के लिए अल्लाह।